الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم محترم میرے دوستو اور بزرگو اللہ تعالیٰ نے ایسے فتنے کے زمانے میں دین کی بات سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اور مجھے دین کی بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کام کی بات کہنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرماوے اور قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے راضی ہو جاوے مجھے جو عنوان دیا گیا صفات متقین یہ جو میں نے آیات تلاوت کی سب سے پہلا پارہ ہے اور پہلی ہی آیتیں ہیں یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ متقین کیسے ہوتے ہیں متقین کا معنی تقوی والے اللہ کا خوف رکھنے والے یہ ہیں متقین تو ان کی صفات کیا ہونی چاہیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جو کلام مجید ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرنا چاہے اس کے لیے یہ کلام مجید یہ کتاب اللہ کلام اللہ رستہ بتاتا ہے کہ اس طرح چلو جس طرح قرآن نے
हमें सीधा रास्ता बताया है। वो कौन सा सीधा रास्ता? इससे पहली जो सूरत है सूरह फातिहा, इसमें हमें अल्लाह ताला ने दुआ सिखलाई कि दुआ करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की हिदायत हो। तो ये पूरा कलाम मजीद हिदायत की किताब है, सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है। और आगे अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि ऐसे इंसान को नमूना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है, किताब काफ़ी नहीं है, सामने नमूना भी चाहिए ताकि इनको देखकर हम सही रास्ता अपना सकें। तो अल्लाह ताला ने वो नमूना भी बयान फरमा दिया है, सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, जो उन पर इनाम फरमाया, किन पर? मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, इन लोगों पर। इससे पता चला कि ये चारों गिरोह मुत्तकीन में है। नबी से ज़्यादा तक्वा किसका हो सकता है? सबसे आला दर्जे का तक्वा, अतका कल्ब अगर किसी का हो सकता है तो वो नबी का हो सकता है। उसके बाद शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, ये सब मुत्तकीन हैं। तो इसी में हमें मुत्तकीन की सिफात का इल्म होता है कि मुत्तकीन की सिफात कैसी होनी चाहिए। एक तो ये जो रास्ता है नबी का, सिद्दीक का, शहीद का और सालेह का, यही मुत्तकीन की सिफात है। गोया नबी तो अल्लाह की तरफ से बरगुजीदा होते हैं, अल्लाह की तरफ से मुंतखब हस्ती होती है, उनका ईमान तो कामिल होगा, पूरा मदार ईमान पर है, तमाम आमाल सालिहा का मदार ईमान पर है। और ईमान भी कामिल हो तो इससे पता चला कि मुत्तकीन की सबसे पहली जो सिफत है वो ईमान है, ईमान होना चाहिए। और ईमान किसे कहते हैं? किसी की बात पर उस पर एतिमाद करते हुए मान लेना। कोई बात कह रहा है जो हमें मालूम नहीं, हमें उस पर एतिमाद है, उस बात को हमने मान लिया, इसको बोलते हैं ईमान। तो सबसे पहली जो सिफत है मुत्तकीन की वो ईमान है। और अल्लाह ताला यही बयान फरमाते हैं, हुदन लिलमुत्तकीन, कौन मुत्तकीन? अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो ये सबसे पहली शर्त है और सबसे पहले मुत्तकीन की सिफत है, और वो भी गैब पर ईमान, मुशाहदे पर नहीं। देखने के बाद तो हर काफिर भी मोमिन बन जाएगा, फिरौन भी ईमान में दाखिल हो गया था अजाब देखने के बाद। गैब की चीज़ उसके सामने आ गई, अजाब आ गया तो वो ईमान लाने लगा, लेकिन उस ईमान का एतिबार नहीं है। ईमान का एतिबार वो है जो बग़ैर देखे ईमान ले आवे। मुशाहदे के बाद तो हर काफिर ईमान में दाखिल हो जाएगा, लेकिन उस ईमान का कोई एतबार नहीं। इसीलिए क़यामत की निशानियां जब शुरू हो जाएगी बड़ी बड़ी, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद बड़ी बड़ी निशानियां शुरू होगी। ये सबसे पहली निशानी होगी
अलामात कुबरा में से हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम। तो उसके बाद जो निशानियां होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, सूरज भी मगरिब से निकलेगा तो उस वक्त हर एक ईमान लाएंगे, लेकिन उस ईमान का एतबार नहीं होगा। तो ईमान बिल गैब हो, और अल्लाह के यहाँ इसी की कीमत है। गैब पर ईमान इसी की कीमत है। तो सबसे पहली जो सिफत है मुत्तकीन की, वो ईमान बिल गैब है। और ईमान जो है ज़ुबान से भी इकरार करना पड़ेगा, तस्दीक करनी पड़ेगी, और दिल से भी तस्लीम करना पड़ेगा। सिर्फ ज़ुबान से मान लेना काफ़ी नहीं, दिल में भी यकीन हो। और इसी तरह दिल में तो ईमान है लेकिन ज़ुबान से अदा नहीं करता तो ये भी मोतबर नहीं, दोनों चाहिए। इसी को फ़र्क बतलाने के लिए उलमा ने फरमाया, जो दिल से यकीन होता है वो ईमान होता है, और ज़ुबान से जो इकरार होता है वो इस्लाम होता है। और बाज़ों ने फरमाया कि ज़ाहिर आज़ा से जिन आमाल का ताल्लुक़ है वो गोया इस्लाम है। इस्लाम का ताल्लुक़ ज़ाहिरी जवारेह से हैं, आज़ा से हैं, और ईमान का ताल्लुक़ कल्ब से है। दोनों ज़रूरी है, ईमान और इस्लाम। तो सबसे पहली जो सिफत मुत्तकीन की है वो ईमान बिल गैब अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। इसी की कीमत है। एक मुख्तसर वाकया मैं सुना दूँ, पता चले कि ईमान बिल गैब उसकी क्या कीमत है। गैब की चीज़ हमारे सामने आ जावे और उसके बाद ईमान लावे तो उस ईमान का कोई एतबार नहीं। हारून रशीद के ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे, हज़रत बहलोल, मज़ूब किस्म के थे। एक मरतबा दरिया के किनारे रेत के छोटे छोटे घरौंदे बनाते थे। हारून रशीद का वहाँ से गुज़र हुआ, सियाहत के लिए, सैर व तफरी के लिए गए हुए थे। उनके अहलिया भी थी, बेगम ज़ुबैदा खातून, वो भी पीछे पीछे थी अपनी सहेलियों के साथ, बादशाह भी अपने दरबारियों के साथ। हज़रत बहलोल को इस तरह देखा रेत के घरौंदे बनाते हुए। बादशाह सलामत ने पूछा, क्या कर रहे हो? कहा, जन्नत में महल बना रहा हूँ। तो मुस्कुराए बादशाह, कहा, आप ऐसी ही बात करते हो, मजनूनाना, पागलपनी जैसी आप तो बात करते हो। तो कहा, आपकी मर्जी, कितने में बेचोगे? तो कहा, एक दिरहम में। तो कहा, बहुत महंगा है ये तो। कहा, आपकी मर्जी, नहीं लिया, आगे चल दिए मजाक समझ के, ये तो ऐसे ही हैं मजनून जैसे। पीछे हज़रत ज़ुबैदा खातून आ रही थी, पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? कि जन्नत में महल तैयार कर रहा। अच्छा, क्या कीमत रखी है? एक दिरहम। देखिए, मुझे बेचोगे? कि ज़रूर। एक दिरहम दिया और कहा, जाओ ये महल आपका। हज़रत बहलोल तो वो जो घरुंदा बनाया था इसको गिरा दिया और यूँ कहा, ये महल आपका हो गया ज़ुबैदा, आगे चल दिए। रात को जब सो गए, हारून रशीद ने ख्वाब देखा कि वो गोया जन्नत की सैर कर रहे हैं और बड़ा खूबसूरत महल नज़र आया, बड़ा शानदार आलीशान, बड़ा ज़बरदस्त महल था। दरवाज़े पर ऊपर लिखा हुआ था,
पहले तो अंदर दाखिल होना चाहा, दरबान ने मना किया, दाखिल नहीं हो सकती। तो कहा क्यों, ये आपका महल नहीं है, ये किसका है? पूछा देख लो ऊपर क्या लिखा हुआ है, जुबैदा खातून। तो कहा ये मेरी अहलिया है, बीवी है, कोई हरज की बात नहीं। तो कहे नहीं, आप नहीं दाखिल हो सकते, ये इनका है, इन्होंने कल खरीदा था हजरत बहलोल के पास से, ये इनको मिलने वाला है, बस देख लिया महल, अब आँख खुल गई, अब सुबह का इंतज़ार है कि आज फिर वहाँ तफरी के लिए जाएंगे, हजरत बहलोल को देखेंगे तो हम सौदा कर लेंगे। इसी तरह हजरत बहलोल वहीं रेत के छोटे छोटे घरुंदे बना रहे थे, हारून रशीद का वहाँ से गुजर हुआ, पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत में महल बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेचोगे? कि हाँ, क्या कीमत? पूरी दुनिया की हुकूमत, आपकी जो सल्तनत है पूरी दुनिया पर, जितनी दुनिया पर तुम्हारी सल्तनत है, इसके बदले में ये एक मकान। हारून रशीद एकदम से हैरत में पड़े, कल तो बहुत सस्ता था एक दिरहम और आज इतनी बड़ी कीमत, कि कल जो इसकी कीमत जो थी ने वो बिन देखे लगाई थी और आज तो आप रात को देख के आए, इसकी बिना पर इसकी कीमत बढ़ गई। तो देखो इसी तरह अल्लाह के यहाँ भी वो ईमान ज़्यादा कीमती है जो बिन देखे हो। अल्लाह बहुत सवाब अता फरमाते हैं, ईमान की बड़ी कीमत है। एक ईमान वाला चाहे अदना क्यों ना हो, अगर दुनिया में बाकी रहेगा, दुनिया बाकी रहेगी, अल्लाह ताला दुनिया को फना नहीं करेगा। एक ईमान वाले की बरकत से आप इससे अंदाज़ा लगाओ एक ईमान की कितनी ज़्यादा कीमत है। पूरी दुनिया का निज़ाम बाकी, चांद सूरज का निज़ाम बाकी, बारिश भी होगी, ज़मीन अपनी नबातात को उगाएगी, हवाएं चलेगी, रोशनी होगी, अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जितने भी इंसान बसते होंगे सबको खाना भी देंगे, पीना भी देंगे, हर एक की ज़रूरत का सामान अल्लाह ताला अता फरमाएंगे एक ईमान वाले की वजह से। इससे अंदाज़ा लगाओ एक ईमान चाहे अदना किस्म का क्यों ना हो कितना वो कीमती है। क्यों? ईमान बिलगैब इसकी कीमत है, कल कयामत के दिन पता चलेगा एक ईमान कितना कीमती है। कल कयामत के दिन सातों जमीन सातों आसमान को अगर एक पलड़े में रख दिया जावे और दूसरे पलड़े में कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो ईमान का कलमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रखा जावे तो ये दूसरा जो पलड़ा है वो उठ जावेगा, ये पलड़ा झुक जावेगा, इतना वजनी है। क्यों? इसकी वजह है अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ वजनी नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई वजनी चीज़ है तो अल्लाह का नाम है। और दूसरी भी एक वजह है, असल अल्लाह का वजूद है, अल्लाह की ज़ात है असल। ये दुनिया तो परतव है, ज़िल है, ज़िल और साया जो परतव जो होता है उसका वज़न बहुत कम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान जब धूप में चलता हो तो उसका साया ज़मीन पर पड़ता है, लेकिन उस साये की कोई कीमत नहीं, कोई वज़न नहीं होता। इंसान की ज़ात के वज़न के मुकाबले में ये साया तो कुछ भी नहीं है, एक ग्राम का भी नहीं होता। तो इसी तरह अल्लाह की ज़ात के मुकाबले में ये पूरी दुनिया ज़िल है, साया है, तो अल्लाह के नाम के मुकाबले में इसका कोई वज़न नहीं होगा। तो अल्लाह का एहसान मानो, अल्लाह ताला ने ये जितने भी सुनने वाले हैं, मोमिन बंदे सुनने वाले हैं, ईमान वाले सुनने वाले हैं, हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाले
घर में पैदा फरमाया। तो ये मुत्तकीन की सबसे पहली सिफत। अब ईमान के दर्जात हैं, कैफियत के एतबार से, नफ्से ईमान जात के एतबार से इसमें कमी बेशी नहीं होती, लेकिन कैफियत में इजाफा होता है। कामिल यकीन जैसा ईमान होगा उस एतबार से उसका मर्तबा बढ़ेगा। ये तो मैंने मुख्तसर एक सिफत बयान की, ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान। अब गैब का मतलब क्या, यहां तो बहुत इजमाल है, बहुत इख्तिसार है, पूरे कलाम मजीद में इसकी तफसील है गोया। ईमान बिल गैब ये तो गोया ईमान मुजमल हुआ। आगे ये सूरत जब खत्म होती है सूरह बकरा, वहां और ज्यादा तफसील है। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल, इस तरह। और इसी तरह दूसरे पारे में पाव जहां से शुरू होता है वहां भी बड़ी तफसील है। तो ये जो ईमान है यहां तो बिल्कुल बहुत इजमाल और इख्तिसार के साथ बयान फरमाया मुत्तकीन की सबसे पहली सिफत। क्यों इसको पहले बयान फरमाया, इसी पर तो मदार है सारे आमाल का। अगर ईमान नहीं है और बहुत अच्छे अखलाक हैं, बड़े अच्छे आमाल हैं, उन अखलाक का उन आमाल का कोई एतबार नहीं होगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा आखिरत में। हाँ दुनिया में इसका बदला मिल जावे वो बात अलग है, अल्लाह ताला दुनिया में इसका बदला अता फरमाते हैं जिनके आमाल अच्छे होते हैं, जिनके अखलाक अच्छे होते हैं। किसी के साथ एहसान का मामला करता है, किसी की खिदमत करता है, किसी की मदद करता है, किसी पर खर्च करता है, किसी के साथ नरमी हुस्न अखलाक से खैरख्वाही से पेश आता है, किसी को सताता नहीं जुल्म नहीं करता, तो अल्लाह ताला दुनिया में इसका बदला अता फरमाते हैं। जैसे आजकल देखो यूरोप वाले अमेरिका वाले बज़ाहिर के कितने अच्छे अखलाक हैं, वो हमारे ही अखलाक हैं, इस्लाम के हैं, मुसलमानों के, तो अल्लाह ताला ने इनको दुनिया भी दे रखी है। आज भी मुसलमान जो अच्छे आमाल वाले बन जावे, अच्छे अखलाक वाले बन जावे, तो अल्लाह की मदद कदम कदम पे हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये मज़मून ही अलग है। आजकल के हालात इसकी क्या वजह है और हमारे आमाल कैसे हैं, ये मुस्तकिल एक मज़मून है। मैं ये समझा रहा था सारे आमाल का मदार ईमान है और यही सबसे पहली सिफत है। हमारी ज़िंदगी में ईमान आ जावे, सही मानों में ईमान, सही मानों में मोमिन बन जावे, सही मानों में मुसलमान बन जावे, ये है सबसे पहली मुत्तकीन की सिफत। तो मुत्तकी बनने के लिए हमें पहले तो कामिल ईमान बनाना पड़ेगा, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होना पड़ेगा। अगर ये है तो फिर बाद में हम मुत्तकी की सफ में आ सकते हैं। अगर हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं, और इस्लाम मुकम्मल होता है सिर्फ इबादत से नहीं, पांच चीज़ों से, अकायद सही हों। हम अपने अकीदे देखे कैसे अकीदे हैं हमारे आजकल, जितना भरोसा दुकान और दुनिया पर है इतना भरोसा अल्लाह पर नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। मामूली मामूली बहाने से हमारी नमाजें कज़ा हो जाती हैं, हमारी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, बाज़ मरतबा हम ईमान से हाथ धो बैठते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होने के लिए अकीदे भी हमारे सही होने चाहिए। उलमा से पूछें कि सही अकीदे क्या है, उनसे रुजू करें, उनकी मजलिसों में बैठें, उनकी सोहबत इख्तियार करें,
इसी तरह अकीदे के बाद इबादत, इबादत मुकम्मल हो, इबादत, इबादत में सब आ गया, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारी इबादतें। अब आप ही सोचें, हम अपनी गिरेबान में मुंह डालें कि ये सारी इबादतों में दाखिल हैं, हमारी नमाज कैसी है? या अल्लाह, नमाज तो 5 वक्त तकबीर उला के साथ मस्जिद में पढ़नी चाहिए। अब हम खुद देखें हमारी नमाजें कैसी अदा होती है। सुन्नतें हो, नवाफिल हो, मुस्तहब्बात हो, ये सारी मोहब्बत की अलामत है अल्लाह ताला से। हमारी सुन्नतें भी ज़ाय हो जाती हैं, बहुत अफसोस की बात है। अभी तो नमाज मुकम्मल नहीं हुई, आप देखें मोहल्ले की जो मस्जिद हो, उस मस्जिद में कितने मुसल्ली होते हैं। फजर में देखो, फजर में पता चल जाता है, अगर 100 मुसल्ली हैं तो फजर में आप देखोगे 15-20 होंगे, तो 80% बेनमाजी हैं। तो अभी तो हमारी इबादत भी मुकम्मल नहीं हुई, सिर्फ एक की बात करता हूँ। ज़कात देखें, हमारी ज़कात कैसी होती है। रोज़ा देखो, रोज़ा कैसा होता है। बस भूखे रहते हैं, हमारी ज़ुबान काबू में नहीं, हमारी आंखें काबू में नहीं। और इसी तरह हर उज़्व आप देखें, क्योंकि सही मानों में तो रोज़ा वो है, आँखों का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, कानों का भी रोज़ा है। अगर गुनाहों से नहीं बचे हम, तो इस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय भूखा रहने की और प्यासा रहने की, कोई सवाब नहीं मिलता। ये तो हदीस में है, इसका मफहूम में बयान करता हूँ। हमारी हज देखो कैसी है, अल्लाहु अकबर। हर चीज़, चाहे इबादत में कोई भी हो, हर चीज़ नाकिस है हमारी। और फिर बाद में उसमें देखा जाता है इखलास कितना है, सुन्नत की इत्तिबा कितनी है। ये सारी चीज़ें अगर मुकम्मल हो तो इबादत का जो निज़ाम है ये मुकम्मल समझा जाएगा। ये तो पूरे इस्लाम की जो 5 शाखें हैं, 5 चीज़ों पर पूरा इस्लाम का मदार है, उनमें से ये तो दूसरी चीज़ हुई, दूसरी बुनियादी चीज़ हुई। तो हमारे अकीदे भी कैसे, हमारी इबादतें कैसी, और उसके बाद हमारी मुआशरत देखो, रहन सहन देखो कैसा है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये मुसलमानों का मुआशरा है, इस्लाम का मुआशरा है। बिल्कुल पता नहीं चलता आज, बस ऐसा लगता है यूरोप का मुआशरा है, यहूद नसारा का है, हिंदुआना हमारा मुआशरा हो चुका है। शादी ब्याह देखो, गमी देखो, घर का रहन सहन देखो, मिलना जुलना देखो, हमारे बच्चे देखो, उनका लिबास देखो, उनकी वजह कता देखो, इनके बाल देखो, सर के बाल, उनका पतलून देखो, उनका चेहरा देखो। कोई नहीं कह सकता कि ये मुसलमान का बच्चा है, ये मुसलमान का नौजवान है। लड़कियों को देखो, कितनी बेपर्दा, कितनी फैशनेबल, कितनी यूरोप की इत्तिबा करने वाली। तो ये तो मुआशरत, मुआशरत में भी हम नाकिस हैं। उसके बाद मामलात आते हैं, हमारा लेन देन आज अक्सर सूदी कारोबार हो चुका। हम पूछते नहीं उलमा से, मुफ्तियों से, कि किस किस चीज़ से और सूरत से सूद लाजिम आता है। आज बहुत सारी ऐसी शक्लें हैं तिजारत की कि जो जिससे सूद लाजिम आता है। तो हमारे मामलात भी ऐसे हैं, लेन देन भी ऐसा है, हमें कोई एहसास नहीं इसका, बहुत अफसोस की बात है मुसलमान। उसके बाद अखलाक का मरतबा आता है, हमारे अखलाक देखो कैसे, हसद भरा हुआ है, किसी का भला नहीं देखा जाता, अच्छा नहीं देखा जाता, किसी की तरक्की नहीं देखी जाती।
हसद, बुग्ज, कीना, जुलम, सताना, सख्ती, और इसी तरह हमारी ज़ुबान में नरमी नहीं, किसी से खंदा पेशानी से मिलते जुलते नहीं, ये भी अखलाक में से है। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही अपने भाई मुसलमान के लिए चाहें, हम अपने लिए ये चाहते हैं कि मुझे कोई तकलीफ ना देवे, मुझे कोई सतावे नहीं, मुझे कोई ताना ना देवे, मेरी कोई ऐब बयान ना करे, मेरी कोई गीबत ना करे, मेरा माली नुकसान ना करे, मेरा जो हक है वो देवे। तो इसी तरह हमें चाहिए सामने वाले के साथ भी हम ऐसा ही सलूक करें। ये है अखलाक। ये तो मैं मुख्तसर गिनाता हूँ। तो अभी तो हमारा ईमान कामिल नहीं है, इस्लाम कामिल नहीं है। सबसे पहली जो सिफत है मुत्तकीन की, ईमान हो। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, इस पर तो अल्लाह के वादे भी नहीं है मदद के। अल्लाह की मदद के वादे कामिल मुसलमान पर है, कामिल मोमिन पर है। وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, तुम मोमिन हो तो बुलंद होंगे, तुम्हें इज्जत मिलेगी दुनिया में। लेकिन हम मोमिन भी हैं, मैंने आपको बता दिया मुख्तसर कि मोमिन किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं। आज हमारा पड़ोस हमसे खुश नहीं, हमसे राजी नहीं, रिश्तेदार राजी नहीं, वालिदैन नाराज, घर वाले नाराज, पड़ोस तो दूर की बात, वो मोहब्बतें नहीं, वो इत्तिफाक नहीं, इख्तिलाफ, झगड़े, हर वक्त बस लालच, हिर्स, दुनिया की तमा, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जा, बस मेरी इज्जत हो जावे, मेरी वाह वाह हो जावे, लोग मुझे सलाम करें, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी राय चले, बस यही बात है आज। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मुत्तकीन की जो सिफत है वो ईमान। हकीकत में बहुत अफसोस होता है कि आज हमारा ईमान कितना नाकिस है, ये हालात बतलाते हैं। याद रखना मुसलमानों, जो फैसले उतरते हैं ये मुसलमानों के आमाल के एतबार से, जैसे आमाल ऊपर जाते हैं वैसे ही फैसले नीचे उतरते हैं। आमाल अच्छे जाएंगे, फैसले अच्छे उतरेंगे, और अगर हमारे आमाल बुरे ऊपर जाएंगे तो हमारी तबीयत के खिलाफ फैसले अल्लाह की तरफ से उतरेंगे। आज देखो पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान, या अल्लाह, सबको पता है आजकल के हालात क्या है। दुनिया में कितनी इस्लामी ममालिक है, 50 से भी ज़्यादा, लेकिन बताओ है कोई सही मानों में इस्लाम पर, है कोई सही मानों में पूरी हुकूमत जो इस्लामी हो, बहुत कम नज़र आएगा। अफसोस की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी हुकूमत की तो क्या मैं बात करूँ, हमारा एक घराना ऐसा बताओ जो पूरा इस्लाम पर हो। एक बात मुझे याद आई, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए देवबंद में से बहुत बड़े आलिम, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिद, इन्होंने भेजे थे रशिया। वहाँ का जो हुक्मरान था उससे मुलाकात की, कम्युनिस्ट था वो, खुदा का मुनकिर था। वहाँ बात करने के लिए तशरीफ ले गए थे, लंबा वाकया है, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ बस, इस्लाम की खूबियाँ बयान की। उसने सिर्फ एक ही सवाल किया कि मौलाना साहब, आप ये जो इस्लाम बयान कर रहे हैं, मुझे कोई ऐसी इस्लामी हुकूमत बताओ कि जो आपने जो इस्लाम के औसाफ बयान किए इस पर पूरा अमल करती हो। मौलाना खामोश हो गए, नहीं जवाब था इनके पास। तो फरमाया, कहा उसने कि चलो पूरी हुकूमत नहीं है इस्लामी तो कोई ऐसा शहर बता दो, नहीं बता सके। चलो कोई गांव बता दो, खामोश। चलो एक घराना बता दो,
नहीं बता सके। एक घर भी ऐसा बता दो कि जिसमें मुकम्मल इस्लाम पर अमल होता हो। अल्लाह ताला सही हमें तौफीक दे। जो एक बुजुर्ग ने फरमाया था, मालिक तो सबका एक, मालिक का कोई एक, मालिक तो सबका एक, मालिक का कोई एक, लाखों में न मिलेगा करोड़ों में देख, ऐसा हाल है आज। मालिक तो सबका एक है, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सब अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मालिक का कौन है, एक होता है। और वो भी क्या फरमाते हैं, अजीब बात, लाखों में नहीं मिलेगा करोड़ों में एक मिलेगा। तो सबसे पहली जो सिफत है हमारी, ईमान और इस्लाम हमारा मुकम्मल हो। ये जो मुकम्मल ईमान और इस्लाम होगा, यही मालिक का एक होगा, वही मालिक का होगा। आज हम खुद देखें, अपने गरीबान में मुंह डालें कि हम मालिक की कितनी फरमाबरदारी करते हैं। मुसलमानों, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हर पहलू हमारा नाकिस है, हर चीज नाकिस है। ये तो मैं मुख्तसर पहली एक सिफत बयान कर रहा हूं, इसमें भी बहुत तफसील है ईमान के बारे में। तो मुत्तकीन की सबसे पहली सिफत हमारा ईमान कामिल हो। दूसरी सिफत अल्लाह फरमाते हैं, वह यकीमुनस्सलात, इकामत-ए-सलात, इकामत फरमाया, नमाज पढ़ना नहीं, इकामत। इकामत यानी तमाम सुनन, आदाब, मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए पाबंदी के साथ जो हुक्म है, जैसा नमाज के बारे में, इस तरह नमाज को कायम करना, यह है सही मानों में। देखो ईमान बिल गैब, उसके बाद आमाल को बयान फरमाया। सिर्फ ईमान भी काफी नहीं है, हाँ नजात के लिए काफी, लेकिन हो सकता है ईमान हो और आमाल ना हो तो थोड़ी मुद्दत जहन्नम में जाना पड़े, अजाब भुगतना पड़े, उसके बाद जन्नत में जाना पड़े, जन्नत का फैसला होगा। मुकम्मल जो ईमान, मुकम्मल सही मानों में जो मुत्तकी, वो तो ईमान में भी कामिल हो और आमाले सालिहा भी हो, ये दोनों चीज़ें हो। और आमाले सालिहा में सिर्फ नमाज को बयान फरमाया, क्यों, इसलिए कि बहुत सारे अमाल है, लेकिन उन अमाल में सबसे अहम जो अमल है वो नमाज है। सिर्फ नमाज को बयान फरमाया यहाँ पर। और उसके बाद वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो हमने दिया इसमें से खर्च कर दिए। क्या अजीब अल्लाह ताला ने अंदाज इख्तियार फरमाया, हमने जो दिया उसमें से खर्च करते हैं, और खर्च करने में सब आ गया। देखो जहां लफ्ज़ ज़कात होता है इकामत सलात के बाद, तो वो फर्ज ज़कात के बारे में हुक्म होता है, और जहां मुतलक इन्फाक का हुक्म होता है तो इस इन्फाक में सब आ जाता है, फर्ज भी, वाजिब भी, नफल भी, सुन्नत भी, सब खर्च आ जाते हैं, चाहे वो ज़कात हो, कुर्बानी हो, सदक़े फितर हो, किसी की मदद करना हो, वालिदैन की, औलाद की, रिश्तेदारों की, मोहताजों की, गरीबों की, मिस्कीनों की, किसी की भी जो मदद करना हो, चाहे जानवर पर खर्च करता है, गैरों पर खर्च करता है, वो सब इसके अंदर आ गए। तो मुत्तकी तो ऐसा होता है, बखील नहीं हुआ करता मुत्तकी, वो तो सफी होता है, ये भी एक सिफत है। तो बदनी जितने आमाल थे उनमें से जो अहम इबादत थी नमाज, इसको बयान फरमाया मुत्तकी की सिफत में दूसरी, और माली जितने भी अहकाम थे उसमें से अल्लाह ताला ने इन्फाक को बयान फरमाया, ये तीन सिफत बयान फरमाई। इसमें बड़ी तफसील है इन्फाक में, तो अल्लाह अकबर। और इकामत सलात के मातहत के अंदर भी, सिर्फ इजमालन में बयान करता हूँ। और उसके बाद जो खास बात मुझे बयान करनी थी वो आगे वाली है,
वो कौन सी बात? अल्लाह फरमाते हैं, उसके बाद भी एक आयत है, दो किस्म की आयतें हैं यहाँ पर, जो गैब पर ईमान रखते हैं और किताबुल्लाह पर ईमान रखते हैं। और बाद वाली जो आयत है इसमें यूँ है, वल्लज़ीन यूमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो किताब नाज़िल हुई इसमें। उलमा फरमाते हैं पहली आयत मुशरिकीन के बारे में है कि इनका किसी किताब पर ईमान नहीं था, इस बिना पर इनको यूँ फरमाया ईमान ले आओ। और ये जो आयत है वो यहूद नसारा के लिए, कि उनका ईमान था इंजील पर और तौरात पर, नसारा का इंजील पर और यहूद का तौरात पर। तो वो भी जिस तरह इंजील और तौरात पर इनका ईमान था, तो इसी तरह वो कुरान पर भी ईमान ले आ रहे, तो इनको दोहरा सवाब मिलेगा, एक तो अपनी किताब पर ईमान लाने का, अब किताबुल्लाह पर ईमान लाने का डबल सवाब मिलेगा। तो पहली जो आयत थी इसमें मुशरिकीन का गोया इशारा था, और इस आयत में यहूद नसारा का इशारा। चौथी बात जो असल मुझे समझानी है, अभी ये बात आई जो अल्लाह ताला ने मेरे जहन में बात डाली थी कि आज इसके बारे में मुझे समझाना है, वो इस आयत के बारे में, वह बिल आखिरत हम यूकीनू, आखिरत का वो यकीन रखते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि शुरू में फरमाया था ईमान बिल गैब, तो उसमें आखिरत भी आ गई थी, इसको अलग बयान फरमाया, खास वजह है इसकी। अगर ईमान बिल गैब में आखिरत आ गई थी, कब्र का मामला, हशर का मामला, जन्नत जहन्नम का मामला, ये सारे मामले आ गए थे, कुल सिरात का, जितने भी मरने के बाद जितने भी मराहिल हैं वो सारे मराहिल ईमान बिल गैब में आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद आखिरत को अलग से फिर से बयान फरमाया, खास बयान फरमाया, इसकी वजह है वह बिल आखिरत हम यकीन, आखिरत पर इनका यकीन है, कोई शक नहीं, कोई तरद्दुद नहीं, यकीन हर वक्त उसका इस्तेहजार है। तो सबसे बड़ी सिफत मुत्तकीन की वह बिल आखिरत हम यकीन, ये सिफत जो हमारे अंदर आ जावे सारे मसाइल हल हो जावे। मेरे नौजवान दोस्तों और जितने भी सुनने वाले हैं, ये बात है असल पॉइंट की बात, असल बात, ये बुनियादी बात अपने दिल में बिठा लो, आखिरत का यकीन, आखिरत का इस्तेहजार, सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हर वक्त आखिरत का जो इस्तेहजार होगा कि मुझे मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, एक एक बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है, एक एक अमल, एक एक फैल, एक एक हरकत अल्लाह को मालूम है, सब हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, कल कयामत के दिन अगर ये पट्टी चला दी गई, जिस तरह हम वीडियो करते हैं, हू बहू जैसी हरकत होती है हमारी, वो हरकत जैसा बोलना होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसी तरह अगर कल कयामत के दिन हमारी जिंदगी की कैसेट जो चला दी गई सबके सामने, तो आप ही बताओ हम रुस्वा हो जाएंगे, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। वहां पर हमारे माँ बाप होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे असातिज़ा भी होंगे, हमारे बड़े भी होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले होंगे, हमें बड़े समझने वाले होंगे, दुनिया में इज्जत करने वाले होंगे। उनके सामने जब हमारा कच्चा चट्ठा अगर सामने आ गया, खोल दिया जाएगा, तो हमारी क्या हालत होगी, कितनी जिल्लत होगी, कितनी रुस्वाई होगी। आदमी उस वक्त तमन्ना करेगा, काश के मैं मिट्टी में मिला दिया जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन हर चीज अल्लाह के यहां रिकॉर्ड है, महफूज है, दो फरिश्ते भी लिखने वाले, सबको पता है, किरामन कातिबीन। और इसी तरह जिस जगह जो हमने किया वो जगह भी हमारे लिए गवाही देगी, जिस उज्व से जो हुआ, चाहे गुना का काम हुआ चाहे नेक काम हुआ, वो उज्व भी कल कयामत के दिन गवाही देंगे।
और अल्लाह ताला को सब पता है, अल्लाह ताला सोता भी नहीं, नींद भी नहीं आती, 24 घंटा जब देखो, जब अल्लाह के दर को दस्तक दो, खिटखिटाओ, अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह देखता है। ये जो इस्तेहजार हो जावे कि आखिरत में मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मुंह दिखाना है, तो क्या मुंह मेरा ऐसा है कि मैं अल्लाह को दिखा सकूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा सकूं? क्या मेरा दिल ऐसा है, मेरा मुंह ऐसा है? हर वक्त आखिरत का इस्तेहजार हो, ये असल आयत है। इस आयत में अगर आदमी जो गौर करे, और मुत्तकीन की सबसे बड़ी जो सिफत है, मेरे नौजवानों याद रखना, ये जो सिफत है, मुत्तकीन का उन्वान जो दिया गया, इसमें सबसे अहम जो सिफत है, बस आखिरत का इस्तेहजार हो। क्या मतलब दूसरे अल्फाज में? गफलत न हो। ये जितने भी गुनाह हो रहे हैं आज, जितने भी नाफरमानियां हो रही हैं, जितने भी कोताहियां हो रही हैं, हक तलफियां हो रही है, चाहे अल्लाह के हक की बर्बादी, हक तलफी, चाहे बंदों के हुकूक तलफ हो रहे हैं, ये सब की वजह ये है, हम गाफिल हैं, आखिरत से गफलत है, हमें इसका एहसास नहीं। मैं सही कहता हूं, अगर आखिरत का इस्तेहजार होता, हर वक्त ध्यान होता, हमसे कोताही कभी ना होती। हमें मरना है, ये तो हमारा असल अकीदा है। ये गैर इसलिए दिलेर हैं जुल्म पर, गुनाहों पर, इनका तो अकीदा है कि बस यही दुनिया की जिंदगी बस अखीरी है, वही है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं, या तो नया जन्म होगा, ऐसा है इनका अकीदा। ये अकीदा तो सिर्फ मुसलमानों का है कि मरकर दोबारा जिंदा होना है और हर चीज का हिसाब देना है। तो ये जो यकीन है, ये सही मानों में मुत्तकीन की जो सिफत है, इतने बड़े जितना जितना यकीन कवि होगा, इतना बड़ा वो मुत्तकी होगा। 24 घंटा अल्लाह का इस्तेजार, हर वक्त मौत का इस्तेजार। अब आप ही बताओ, अगर आपसे कोई यूं कहे कि सुबह में फजर के बाद आपकी वफात होने वाली है, चलो बताओ ये रात कैसी जाएगी? गुनाह होगा, नमाज छूटेगी फजर की, तहज्जुद भी पढ़ेगा, जिक्र भी करेगा, सब कुछ करेगा कि फजर के बाद मुझे मरना है। तो मुसलमानों, अगर इस तरह जो हमारा इस्तेहजार हो जावे कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जावे, ये फजर के बाद तो मैंने एक तवील मुद्दत कही, हमें तो एक लम्हे का भी भरोसा नहीं कि एक लम्हे के बाद क्या होगा। बल्कि बाज ऐसे हैं, बयान करते थे लोगों के सामने, कुर्सी पर बोलते बोलते, बयान करते करते अपनी जान अल्लाह को दे दी, बोल रहे थे, इनको खुद को भी पता नहीं चल नहीं था, सुनने वालों को भी पता नहीं था, और उन्हीं के सामने अपनी जान दे दी। ऐसे कितने वाकियात होते हैं दुनिया में। तो मौत का कोई भरोसा नहीं। एक मुख्तसर में हदीस का मफहूम सुनाओ। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ए मेरे सहाबा, तुम मौत को कैसा गुमान करते? एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं सुबह करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं रात नहीं कर सकूँगा। इसका मतलब क्या कि दिन की तो उम्मीद है कि पूरा दिन मैं रहूँगा जिंदा, रात की उम्मीद नहीं। दूसरे सहाबी खड़े हुए, इन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे पता नहीं कि ये नमाज मैं पूरी कर सकूँगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी नमाज पढ़ने तक तो तू जिंदा रहेगा, इतना तो तुझे यकीन है। एक सहाबी ने फरमाया, मैं वुजू करता हूँ तो मुझे ऐसा ख्याल आता है कि मालूम नहीं मैं वुजू पूरा भी कर सकूँगा नहीं। चलो, इतना तो पता चला कि वुजू करने तक तो आप जिंदा रहोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कैसी हालत है मालूम, आखिरत के इस्तेहजार की, मौत की? जब एक तरफ मैं सलाम फेरता हूँ तो मुझे यकीन नहीं कि मैं दूसरी तरफ सलाम भी फेर सकूँगा या नहीं, इतना इस्तेहजार था। एक एक लम्हे के बाद हो सकता है कि इस लम्हे में मेरी जान निकल जावे, रूह कब्ज हो जावे,
अब आप ही बताओ मेरे नौजवान, जितने भी सुनने वाले हैं, जिनका ये अकीदा हो, जिनकी ये हालत हो, जिनका ये तसव्वुर हो कि मुझे मरना है, कि ईशा की नमाज पढ़ी मालूम नहीं मैं फजर पढ़ सकूंगा या नहीं, तब आप ही बताओ कि जिसको फजर का भरोसा नहीं कि मैं फजर को जिंदा रह सकूंगा या नहीं, तो वो ईशा कजा हो सकती है उसकी, नहीं हो सकती। इसी तरह फजर की नमाज में अल्लाह ताला ने उठाया, वहां तक हमारी जिंदगी बाकी रखी कि सोने की हालत में हमारी रूह कब्ज नहीं फरमाई, तो जब फजर पड़ता है तो वो यूं समझता है ये मेरी आखिरी नमाज है, मालूम नहीं मैं जोहर पढ़ सकता हूं या नहीं। तब आप ही बताओ जिसकी ये हालत हो फजर कजा हो सकती है, कभी नहीं। तो मैं खास ये बात कहना चाहता हूं आज के उन्वान का, खास मेरी बुनियादी जो चीज, सबसे असल जो मैं कहने वाला था, यही मैं कहने वाला था कि गफलत को दूर करो, इस्तेजार रखो, आखिरत का यकीन रखो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। झूठ उसकी जुबान से नहीं निकल सकता, उसकी आंखें बेकाबू नहीं हो सकती, गलत वो नहीं देख सकता, अगर नजर पड़ गई तो फौरन मौत का इस्तेजार, अल्लाह सामने, आखिरत सामने कि इसका कल मुझे जवाब देना पड़ेगा, मेरे पास इसका कोई उजर नहीं है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो फौरन अपनी नजरों को नीचा कर लेगा, और अगर इस तरह का ख्याल भी आया तो फौरन इस्तिगफार करेगा, ओहो मेरा अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह मुझे देखता है, इसका इस्तेजार। अब आप ही बताओ, हम हो, हमारे वालिदैन हो, हमारे उस्ताद हो, घर वाले हो, उनके सामने बुरी नजर हो सकती है, नहीं हो सकती, हालांकि मखलूक इंसान है, इनसे तो हम बहाना भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से कोई बहाना नहीं कर सकता। हर वक्त अल्लाह को तो जो दिल में खटका गुजरता है, ख्याल गुजरता है, इसका भी इल्म है अल्लाह ताला को, तो हम अल्लाह को क्या उजर बयान करेंगे। इसलिए सबसे बुनियादी चीज इस्तेजार, अगर ये होगा इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं हो सकता, झूठ नहीं उसकी जुबान से निकल सकता, वो खयानत नहीं कर सकता, वो हराम नहीं कमा सकता, वो जुल्म नहीं कर सकता, वो हसद नहीं कर सकता, अल्लाह की जात पर एतराज है ये तो हसद करना, जब अल्लाह का इस्तेजार होगा, अल्लाह ने इसको ये नेमत अता फरमाई तो मैं कैसे एतराज करूं, ये होगा इंशाअल्लाह। मुत्तकीन की जो सबसे बड़ी सिफत है, हर वक्त अल्लाह का इस्तेजार, 24 घंटा हर वक्त बस यही हालत होती है, चाहे वो खाते हो, पीते हो, बाजार में हो, सफर में हो, हजर में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, कहीं भी हो, बस इनकी यही हालत होती है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, और ये तो हमारा अकीदा है। ये जो अगर हमारा सही मानों में पुख्ता अकीदा बन जावे, अल्लाह ताला ने जो चाहा है कि इस तरह मोमिन बंदा जिंदगी गुजारे, तो हम सही मानों में अल्लाह की चाहत और मशीयत के मुताबिक हमारी जिंदगी हो सकती है। इसके लिए बुनियादी चीज आखिरत का इस्तेजार। लेकिन ये तो मैंने एक चीज बताई, आखिरत का इस्तेजार बुनियादी चीज, लेकिन ये कैसे हासिल हो, अब ये मैं मुख्तसर बयान करता हूँ, इसमें भी बड़ी तफसील है मेरे नौजवान, एक घंटा होने आ रहा है, मैं मुख्तसर आपको मैं बतला दूँ आखिरत का इस्तेजार कैसे हो। अल्लाह की याद से हो, मौत की याद हो, हदीस में भी है अल्लाह को याद करो। गफलत, गफलत का माना क्या, भूलना, हम अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह को याद करो, ये इसका इलाज है। कुरान में है वला तकूनु कल्लजीन नसुल्लाह, ऐसे न बनना जो अल्लाह को भूल गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह क्या फरमाते हैं आगे, बड़ी खतरनाक चीज बयान फरमाते हैं, जो अल्लाह को भूल गया तो अल्लाह ने फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने अपनी जात, अपने नफूस को भी भुला दिया कि हमारी कैसी जिंदगी है, खुद को भी आदमी भूल जाता है उस वक्त गफलत में। आगे की बात बड़ी खतरनाक है, उलाइका हुमुल फासिकून, इसको फासिक फरमाया,
या अल्लाह, जो अल्लाह को भूलता है, गफलत वाली जिंदगी गुजारता है, अल्लाह से गाफिल, आखिरत से गाफिल, मौत से गाफिल, इसको फासिक फरमाया। अब आप ही बताओ, अल्लाह की मदद फासिक के साथ तो कैसे हो सकती है? अल्लाह की मदद तो मोमिन के साथ होती है, सालिहीन के साथ। अल्लाह वहुवा यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह तो जिम्मेदार है सालिहीन का, फासिकीन का नहीं। अल्लाह तो मुत्तकीन से मोहब्बत करता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला मुत्तकीन की मदद फरमाता है। इन्नल्लाह मुअल्लज़ीन तक़ौ, अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते हैं। तो जो फासिक होगा, अल्लाह की मोहब्बत भी नहीं, अल्लाह की मदद भी नहीं, मसाइल भी हल नहीं। मसाइल भी हल किसके होते हैं मालूम? और अमल भी किसका कबूल होता है? मुत्तकीन का। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन का अमल कबूल फरमाता है। और मसाइल किसके हल होते हैं? वमन यत्तकिल्ला यजअल लहु मखरजा, तंगी में से रास्ता अल्लाह किसका निकालता है? जो तकवे वाला होता है। वमन यत्तकिल्ला यजअल लहु मिन अम्रिहि युसरा, अल्लाह हर मामले को आसान फरमा देता है। चाहे कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, चाहे रोजी का मसला हो, दुनिया का मसला हो, कोई भी मसला हो, बच्चों का मसला हो, शादी का मसला हो, कारोबार का मसला हो, रोजगार का मसला हो, कोई भी मसला हो, अल्लाह ताला हर मसले में आसानी पैदा फरमाता है। और सबसे बड़ा मसला हमारा रोजी का है, तो इसके बारे में भी फरमाए हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोजी देता है इसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। ये सारा मदार तकवे पर है, और तकवा कब होगा? अल्लाह की याद। और अल्लाह की याद कब होगी? आखिरत का इस्तेजार हो। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके लिए रोजाना एक वक्त निकालो, सोने से पहले मौत को याद किया करो कि मेरी मौत है, मुझे गुसल दे रहे हैं, मुझे कफन पहनाते हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे कब्र में सुलाया जा रहा है, कब्र में फरिश्ते आ रहे हैं, मुझे सवाल कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ कोई नहीं है, मेरे साथ सिर्फ आमाल है मेरे। इस तरह रोज़ाना तसव्वुर करो 5-10 मिनट तन्हाई में, और अल्लाह का जिक्र किया करो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्तेज़ार हो जाएगा, अल्लाह की याद पुख्ता हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह मुत्तकीन की जो सिफत है, वो बिल आखिरति हुम यूकिनून, इस पर अमल जो हो गया तो सही मानों में आदमी मुत्तकी हो जाएगा। और कलामे मजीद जो हिदायत के लिए, जो मैंने शुरू में कहा था, नाजिल हुआ है, वो किसके लिए? हुदन लिल मुत्तकीन। तो सही मानों में आखिरत का इस्तेजार होगा, अल्लाह की याद होगी, मौत सामने होगी, इंशाअल्लाहुल अजीज कुरान पर अमल करना आसान हो जाएगा। ये सारा मदार इस पर है, मैंने कहा था आखिरत का इस्तेजार, आखिरत का अकीदा, आखिरत का यकीन। तो ये मुत्तकीन की सिफत है। आपने जो कहा था कि मुत्तकीन की सिफत, ये कुरान में 3 बयान फरमाई, लेकिन ये जो चौथी है ना, वो ईमान बिल गैब ही के मातहत में है, लेकिन इसको खास बयान फरमाया। क्यों? अगर ये जो सिफत अगर किसी के अंदर आ गई, तो तमाम सिफात पर अमल करना और तमाम सिफात से मुत्तसिफ होना आसान हो जाएगा, फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखें, गफलत दूर करनी है, आखिरत का इस्तेजार लाना है, अल्लाह की याद बसानी है, हर वक्त हमारी जुबान हर वक्त अल्लाह की याद से तरोताज़ा रहे, इसके लिए बेहतरीन इलाज मैं तो क्या बताऊँ, खुद अल्लाह बयान फरमाते हैं। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक दे। वो कौन सा अमल? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, देखो अल्लाह फरमाते हैं तकवा इख्तियार करो। लेकिन हम कैसे तकवा इख्तियार कर सकते हैं? ये सारी सिफत मैंने बयान की, और ख़ास तौर पर जो सिफत बयान फरमाई, कौन सी? इस्तेज़ार वाली, गफलत दूर हो हमारी, अल्लाह की याद वाली, अल्लाह को भूले नहीं, ये जो सिफत है, मौत हमेशा याद हो, हमारे सामने हो, ये सिफत अगर है तो कहाँ से हासिल होगी? खुद अल्लाह फरमाते हैं तकवा इख्तियार करो, तकवे के अंदर ये सारी सिफत आ गई। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, अल्लाह ताला ने इसका तरीका भी बतला दिया। अल्लाह बहुत शफीक है, मेहरबान है, जिस चीज़ का हुक्म दिया उस हुक्म का तरीका भी बता दिया कि जो मेरा हुक्म है, इस हुक्म पर अगर आपको अमल करना हो तो वो तरीका मैं आपको बयान करता हूँ, इस तरीक पर अमल करोगे तो इस हुक्म पर अमल करना आसान हो जाएगा।
ये बड़ा अल्लाह शफीक है, मेहरबान है, रहीम है, इस बिना पर अल्लाह हाकिम भी है। अगर अल्लाह ताला सिर्फ इतना फरमा देता तकवा इख्तियार करो बस, आगे कुछ न फरमाता था, इसको इख्तियार इसको हक बनता था, लेकिन नहीं, अल्लाह हमारा दूसरे हाकिमों जैसा नहीं है। लेकिन कैसा हाकिम है? अल्लाह हमारा हाकिम शफीक है, मेहरबान है, रहीम है। तो हमें तरीका भी बतला दिया कि तकवा कैसे इख्तियार हो सकता है, गफलत कैसे अपनी ज़िंदगी से दूर हो सकती है, आखिरत का इस्तेज़ार कैसे पैदा हो सकता है, अल्लाह की मोहब्बत कैसे आ सकती है दिल के अंदर, और तुम मुत्तकी कैसे बन सकते हो। तो उसके लिए तरीका बतला दिया, वकुनु मअस्सादिकिन, सच्चों के साथ रहो, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। ये है सही मानों में तरीका। अब इसमें बड़ी तफसील है मेरे नौजवानों, सुनने वाले साथियों, अब तो एक घंटा हो गया, मैं अपनी बात बंद करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी जो अल्लाह ने मौका दिया तो ये मैं समझाऊँगा कि अल्लाह वालों की सोहबत का क्या फ़ायदा है, क्या मिलता है, क्यों ज़रूरी है, और आखिरत का इस्तेज़ार कैसे होना चाहिए। ये मैंने जल्दी जल्दी मुत्तकीन की सिफ़ात बयान कर दी, इसकी तफसील अभी नहीं हुई, आखिर वाली बात। इंशाल्लाह फिर कभी जो अल्लाह ने मौका दिया तो अल्लाह मुझे तौफीक देवे समझाऊँगा। अल्लाह ने जो कहने की तौफीक दी अल्लाह कबूल फरमावे, मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا الله يا رحم الراحمين، هم سب کی مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما. يا الله امت کی مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما. उम्मत को, सब को, हमें सुनने वालों को, घर वालों को, सब को या अल्लाह सही तौफीक दे, हिदायत अता फरमा। या अल्लाह तेरी रजामंदी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, तकवे वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, तेरा इस्तेहज़ार नसीब फरमा, तेरा ज़िक्र या अल्लाह हर वक्त करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह गफलत से पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तुझसे गफलत हो, आखिरत से गफलत हो, इससे हिफाजत फरमा। हमारी औलाद की, घर वालों की, मुतालिकीन की, अहबाब की, रिश्तेदारों की, मोहसिनीन की, पूरी उम्मत की, सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह गफलत से, गफलत सबसे बड़ी जड़ है या अल्लाह नाफरमानी की, तेरी नाराज़गी की, फिस्क व फुजूर की, जहन्नम की, या अल्लाह इससे तो हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर वक्त हमें ज़िक्र की तौफीक दे, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर की तौफीक दे। आपस में या अल्लाह इत्तिफाक़ व मोहब्बतें दे। या अल्लाह आपस में खैरख्वाही नसीब फरमा, बदख्वाही से पूरी हिफाजत फरमा, हर ऐसे अमल से हिफाजत फरमा जिससे तू नाराज़ होता हो, तमाम मासी से, शैतानियत से, नफसानियत से पूरी हिफाजत फरमा। हमें तकवा नसीब फरमा, तकवे का नूर अता फरमा, इल्म नाफ़ी अता फरमा, इल्म में बरकत अता फरमा। या अल्लाह नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा, रोज़ी रोज़गार में बरकत दे। या अल्लाह हमसे तो राज़ी हो जा, एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफीक दे, सुन्नतों का इल्म दे, सुन्नतों की आज़मत नसीब फरमा, सुन्नतों की मुताबात और इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी सुन्नतों वाली हो, हमारी मौत सुन्नतें वाली हो, पूरी ज़िंदगी सुन्नतों की इत्तिबा हो, ऐसी तौफीक अता फरमा। हमारी औलाद की भी हिफाजत फरमा, औलाद की सही तरबियत फरमा। या अल्लाह औलाद को मुती फरमा बरदार बना दे, आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह नमाजी बना दे, दाई दीन खादिम दीन बना दे, वक्त को ज़ाय करने से बचा ले औलाद को, सलाहियतों को बर्बाद करने से हिफाजत फरमा, सलाहियतों को सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुसलमान आज पूरी दुनिया में परेशान है, ख़ास करके हिंदुस्तान में भी या अल्लाह दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह जितने भी जालिम और काफिर, या अल्लाह जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बना रहे हैं, मंसूबे व और इसी तरह मुसलमान के खिलाफ जितने भी इरादे कर रहे हैं, इनको निस्त नाबूद के, जलील और रुस्वा करने के, पस्त करने के, या अल्लाह इन तमाम की साजिशों को नाकाम फरमा दे, उनके मंसूबों इरादों को नाकाम फरमा दे, उनकी साजिशों और मनसूबों को उन्हीं पर पलट दे। या अल्लाह, या अल्लाह इनको कामयाब न होने देना, नाकाम फरमा। या अल्लाह हमारे पास आमाल तो ऐसे नहीं है। या अल्लाह जिससे तेरी मदद नाजिल हो,
फिर भी या अल्लाह तू फजल फरमा, तू करीम है, करम फरमा, अकरमुल अकरमीन है या अल्लाह, तू करम का मामला फरमा। कोई अमल तो नहीं है, लेकिन बस एक वास्ता देते हैं हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके उम्मत ही हैं, चाहे कैसे ही टूटे फूटे हैं, गुनहगार हैं, या अल्लाह इस नस्बत की लाज रख ले, और या अल्लाह तेरे हबीब को भी तकलीफ होती होगी इस उम्मत के साथ जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। या अल्लाह कितने बच्चे या अल्लाह यतीम हो चुके, कितनी औरतें बेवा हो चुकी, कितने घर वाले बेघर हो चुके, बेसहारा हो चुके। या रहमान रहीमीन, बेचारों की क्या हालत होती होगी, सब की दस्तगीरी फरमा। और इन जालिमों काफिरों को या अल्लाह चुन चुन के तू ख़त्म फरमा, इनको कामयाब न होने दे। या अल्लाह हमें तो नज़र आता है कि इनकी हर उम्मीद पूरी हो रही है, या अल्लाह उम्मीद पूरी होने से बचा ले, इनको नाकाम फरमा दे। या अल्लाह इनकी हुकूमतों को नाकाम फरमा दे। या अल्लाह इनको तरक्की न दे। या रहमान रहीमीन, मुसलमानों को सही तौफीक दे दे, मुसलमानों को वो आमाल की तौफीक दे जिससे तेरी मदद नाजिल हो, मुसलमानों में आपस में इत्तिफाक मोहब्बतें दे या अल्लाह, एक दूसरे का हक अदा करने की तौफीक दे या अल्लाह, सिला रहमी की तौफीक दे, हलाल कमाई की तौफीक अता फरमा, हराम लुकमे से हराम कमाई से पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को हया नसीब फरमा, या अल्लाह बेहयाई से बचा ले हमारी नौजवान औरतों को, या अल्लाह बेनिकाह जितने भी औरतें हैं और निकाह वाली जितने भी हैं सबको या अल्लाह हया व गैरत नसीब फरमा, बेहयाई से, बदनजरी से, जीना से पूरी हिफाजत फरमा। या रहमान रहीमीन, हर गुनाह मासियत से पूरी हिफाजत फरमा, हमारी मदद फरमा, गुनाह हो जाए सच्ची पक्की तौबा की तौफीक दे, हमारी पकड़ न फरमा या अल्लाह, हमारे जितने भी एहसान करने वाले इनको बेहतरीन बदला अता फरमा, जज़ाए खैर नसीब फरमा, जिन्होंने दुआ की फरमाइश की इनकी या अल्लाह जायज़ उम्मीद तमन्नाएं पूरी फरमा, उनकी परेशानियां दूर फरमा, मुश्किलात आसान फरमा, जो उम्मत में बीमार है उनको शिफा दे या अल्लाह, उनकी परेशानी दूर फरमा दे, जो भी उम्मती जहाँ कहीं परेशान हो, जिस मुसीबत में मुब्तला हो, जिस मुश्किल का शिकार हो, या अल्लाह इनकी दस्तगीरी फरमा, इनकी मदद फरमा, या अल्लाह इनकी मदद फरमा, इनकी हर ज़रूरत पूरी फरमा, तो हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, इनकी हाजतें आफियत के साथ पूरी फरमा, या अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, हुस्न खातिमा नसीब फरमा, ईमान पर खातिमा नसीब फरमा, जन्नत नसीब फरमा, या अल्लाह तेरी रजामंदी वाली ज़िंदगी और मौत नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबी अजमईन व सल्लम तस्लीमा बिरहमतिका या अरहम।